नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप। कौसाम्बी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्भवती महिला का ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल कर्मियों ने एक एम्बुलेंस बुलाकर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया और खुद हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची मंजनपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मंझनपुर स्थित जिला अस्पताल के सामने गगनदीप हॉस्पिटल में धाता थाना क्षेत्र के अहमदपुर कुसुम्बा निवासी लवकुश ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद बीती रात भर्ती कराया था। पहले तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने नॉर्मल डिलीवरी करने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर बुलाकर ऑपरेशन करा के डिलीवरी करा दी। लगभग 3 बजे मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो तीमारदार ने वहां मौजूद स्टाफ से बताया। आरोप है कि स्टाफ के द्वारा इंजेक्शन लगाने पर मरीज के हाथ पैर ठंडे हो गए। इस पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने तुरंत एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर जबरन मरीज को दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। परिजन इसका विरोध करते रहे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। जब दोबारा डेड बॉडी को लेकर गगनदीप हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था। परिजनों की चीख पुकार और रोने पर भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची मंझनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर जाँच में जुट गई है। जिला अस्पताल के सामने सैकड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों में अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, अन्यथा अप्रशिक्षित लोग ही इलाज करते हैं। यही कारण है कि आए दिन इनकी लापरवाही से मरीजों की जान चली जाती है। अगर परिजन शिकायत करते हैं तो जांच में लीपा पोती कर हॉस्पिटल को बचा लिया जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल या तो जिला अस्पताल में काम करते हैं करने वाले कर्मचारियों का है या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं का है। यही वजह है कि सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन और सीएमओ कौसाम्बी दोनों से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन संपर्क नहीं हो सका है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट।